स्थित कमला नेहरू कॉलेज के विद्यार्थियों पर जानलेवा हमला कर एक छात्र को गंभीर रूप से घायल करने वाले एक आपराधिक प्रवृत्ति के आरोपी को पुलिस ने हिरासत में लिया है। जानकारी के मुताबिक बुधवार सुबह 11 बजे के करीब आरोपी सक्करदरा परिसर में स्थित बुधवारी बाजार के करीब एक जेरोक्स की दुकान पर पहुंचा और उस जेरोक्स की दुकान चालक स्वप्निल शर्मा को धमका कर कहने लगा कि मैं इस इलाके का बड़ा गुंडा हूं, अगर तुम्हें इस इलाके में दुकान चलानी है तो मुझे हर माह 700 रुपए हफ्ते के रूप में देना होगा। इस पर दुकान चालक स्वप्निल शर्मा ने जब आरोपी से पैसे ना होने की बात कही तो आरोपी गुस्से में गाली गलौज करता दुकान में शोर मचाने लगा। तभी उसी जेरोक्स की दुकान पर कमला नेहरू कॉलेज के कुछ विद्यार्थी पहुंचते हैं, जो कि किसी पेपर का जेरोक्स निकालने वहां पहुंचे थे। जब विद्यार्थियों ने जेरोक्स मांगी तो आरोपी तिलमिला गया और उनसे कहने लगा कि यहां से चले जाओ। इस बीच विद्यार्थियों ने जेरोक्स करवाने की जिद की और आरोपियों विद्यार्थियों में इसी बात को लेकर विवाद हो गया, जिस पर आपराधिक प्रवृत्ति के आरोपी गोलू लिहितकर ने पास मौजूद फनस काटने वाले चाकू से एक विद्यार्थी हर्षल संजय नवधरे पर वार कर उसे जख्मी कर दिया, जिससे पीड़ित विद्यार्थी हर्षल को सर, हाथ और पैरों पर चाकू के वार लगे, जिसके बाद जख्मी युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। दोनों ही मामलों में पीड़ितों द्वारा दी गई सूचना के आधार पर पुलिस ने आरोपी गोलू लिहितकर पर अलग अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को हिरासत में ले लिया है। आगे की जाँच जारी है। कमला नेहरू कॉलेजच्या समोर दिनांक 15/3/2023 रोजी शर्मा झेरॉक्स दुकान आहे, तिथे हा जो रेकॉर्डवरील आरोपी आहे अश्विन उर्फ गोलू सुरेश लिहितकर याने त्या दुकानदाराला खंडणी मागितली आणि जर दुकान सुरू ठेवायचं असेल तर 700 रुपये म्हणा त्याला द्यावे लागेल असं तो म्हणून त्याला धाक धमकी वगैरे देऊन ते दुकान बंद करत असताना तिथे कॉलेजचे काही मुलं आले। कॉलेजची मुलं आले असता त्यांनी झेरॉक्स वगैरे काढायचं त्यांना तो हाकलून लावायचा प्रयत्न करत असतात। त्यांनी मुलं हे तिथून निघून जात असतात ते एक त्या रेकॉर्डवरील आरोपी याने त्याच्याजवळील असलेल्या चाकूने त्याच्यातला फिर्यादी आहे हर्षल नवघरे राहणार शांतीनगर याला त्यांनी त्याच्याजवळील आरोपी अश्विन गोलू लिहितकर याने आपल्याजवळील चाकूने डोक्यावर हातावर पायावर अशा गंभीर स्वरूपाचा जखमा केलेले आहे। अश्विन गोलू लिहितकर याच्यावर आतापर्यंत 18 गुन्हे दाखल असून काही सगळे त्याच्यावरती बॉडी ऑफेन्स हे दाखल आहे आणि प्रतिबंधक कारवाई करण्यात आलेली होती। तडीपार संपल्यानंतर त्यांनी हे दोन गुन्हे केलेले असून त्याबाबत आमच्याकडे खंडणीचा 110/23 आणि 306/111/23 हे दोन गुन्हे दाखल करण्यात आलेले। आरोपीला जसं आम्हाला माहिती मिळालं असतं आम्ही आमचे DB स्टाफसह तात्काळ पोहोचून आरोपी आज ताब्यात घेऊन पोलीस स्टेशनला पुढील कारवाई करण्याकरिता घेऊन आलेलो आणि सध्या आता त्याचा PCR करिता न्यायालयामध्ये जाणार। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अक्षय अंसारी BCN न्यूज नागपूर।